हेलो व्यूअर्स, आज हम आपके लिए मछली की डिश लेकर आए हैं जो मसाला फ़िश है। ये मछली गुगली नाम है इसका, नदियों और तालाबों में पाई जाती है। इसके लिए मसाला तैयार करेंगे, खोपरा ड्राई रोस्ट करेंगे और उसमें ऐड करेंगे धनिया। दोनों को अच्छी तरह भून कर निकाल देंगे। अच्छी तरह से भूनना है हमें ताकि उसकी स्मेल चले जाए। उसके बाद ज़ीरा और प्याज को भूनेंगे, हल्का सा तेल डालकर भूनना है हमें, और इन चारों मसालों को बाद में हम पीसेंगे। पहले हम धनिया और खोपरा पीसेंगे, अगर प्याज डाल दे तो पीसा नहीं जाएगा। उसके बाद अब ये इसमें प्याज और ज़ीरे को डालकर फिर चारों को एक साथ पानी डालकर महीन पेस्ट बना लेंगे, अच्छा बारीक पीस लेंगे। ये अब हमारा मसाला तैयार है। इमली को हमने भिगोने रख दिया है। कढ़ाई में तेल डालेंगे, ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरा चटकने लग जाए तब हम उसमें अदरक लहसुन तकरीबन एक टेबल स्पून ऐड करेंगे, उसको अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद अब हमारा पिसा हुआ मसाला ऐड करेंगे। ये जो हमने धनिया, खोपरा, प्याज और ज़ीरा है, ये मसाला पीसा हमने, वो पूरा के पूरा मसाला डालकर अच्छी तरह से भून लेंगे। बिल्कुल उसकी स्मेल ना आने पाए, अच्छे से हमें भूनना है। भूनने के बाद इसमें हम मिर्ची ऐड करेंगे। मिर्ची हम अपने मिजाज के तबार से डालें। जो लोग तीखा पसंद करते तो ज़्यादा डालें, कम पसंद करते कम डालें। अब हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी ऐड करके तमाम मसालों को अच्छे से भून लेंगे ताकि पूरा तेल ऊपर आ जाए और मसाला अच्छे से भून जाए। ये देखो, ये पूरा तैयार हो गया। अब इसमें हम इमली का पल्प ऐड करेंगे या इमली का रस, और उसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। खूब अच्छी तरह पकने दें कि खटास भी अच्छे से पक जाए। ये देखो, हमारा मसाला अब तैयार है। अब इसमें हम मछली को, साफ धुली हुई मछली को ऐड करेंगे। पूरी तरह मसाले में कोटिंग कर लेंगे उसको। ये दिख रहा है ना आपके लिए, ये पूरी तरह मसाले में डीप हो जाए, और उसको अच्छे से मिलाकर नमक ऐड करेंगे और 5 मिनट के लिए ढककर पकने देंगे, या आप खुली कढ़ाई में भी पका सकते हैं। ये रेडी है हमारी फ़िश। तब हम एक सर्विंग डिश में निकाल कर सर्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।